कि जो राम राज्य है वही समाजवाद है। अगर राम राज्य की शुरुआत करनी है तो उसकी प्रस्थापना बिंदु अगर कोई हो सकती है तो वो समाजवाद है। अब आप ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, समाजवादी सिद्धांतों पे चले बिना सबका साथ सबका विकास कैसे संभव है? मैं समझता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान नहीं मानते, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है उस संविधान को बदलना चाहते हैं। वो लोग हैं जो सबको बराबर नहीं देखते हैं, ये वो लोग हैं जो हर एक को हक और सम्मान नहीं देना चाहते हैं। जाति जनगणना हो जाएगी तो कम से कम सरकार को ये पता रहेगा कि कौन जाति कितनी पिछड़ी है। मैं सदन में नहीं रह पाया और जिस दिन मैं नहीं रह पाया उसी दिन भारतीय जनता पार्टी और नेता सदन ने समाजवाद को लेकर के बड़ी टिप्पणी की है। मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान नहीं मानते, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है उस संविधान को बदलना चाहते हैं। ये समाजवाद शब्द तर्क में ये सरकार कह रही कि बाद में आया, लेकिन अगर हम अपने समाज को देखें या हम अपने समाज को समझें तो भारतीय समाज हमेशा समाजवादी समाज के रूप में ही आगे बढ़ा है, जिसमें समाज के लोगों ने एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे को कैसे साथ लेकर के जाएं और जो हमारे संविधान में व्यवस्था दी है कि हमारा जो समाज बने वो समता मूलक समाज बने। डॉक्टर रामन लोहिया ने कहा कि समाज में संपन्न हो और गैर बराबरी खत्म हो, संपन्नता आए। वहीं हमारे नेता सदन का ये कहना कि समाजवाद मृग तृष्णा है और न जाने क्या क्या कहना, जिस भाषण से उन्होंने वो लाइनें निकाली हैं, मुझे दुख है इस बात का। भारतीय जनता पार्टी को समाजवाद सीखने के लिए इतने लाइनें ढूंढनी पड़ी, अंग्रेजी को हिंदी में करना पड़ा। हमें भारत के लोगों को याद है कि अंग्रेजों को भगाने के लिए न जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी है, हमारे न जाने कितने लोग शहीद हुए हैं, जाने गई हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका सब कुछ चला गया, छिन गया, निशावर कर दिया उन्होंने देश की आजादी को और आजादी दिलाने के लिए, और ये वही लाइनों को दोहरा रहे हैं। यहां पर दुख है इस बात का कि जिन्हें समाज को बराबरी नहीं लाना है, रामराज्य नहीं लाना है। और मैंने कई बार कहा कि जो रामराज्य है वही समाजवाद है। अगर रामराज्य की शुरुआत करनी है तो उसकी प्रस्थापना बिंदु अगर कोई हो सकती है तो वो समाजवाद है। अब आप ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, समाजवादी सिद्धांतों पे चले बिना सबका साथ सबका विकास कैसे संभव है? जो लाइनें इन्होंने चुराई हैं, कम से कम मुख्यमंत्री जी को जानना चाहिए कि दूसरे देश के किसी प्रधानमंत्री ने किस रूप में किन परिस्थितियों में वो कहा, और वो देश कैपिटलिस्ट हैं और ये भारतीय जनता पार्टी भी कैपिटलिस्टों की पक्ष। वो लोग हैं जो सबको बराबर नहीं देखते हैं, ये वो लोग हैं जो हर एक को हक और सम्मान नहीं देना चाहते हैं। जाति जनगणना हो जाएगी तो कम से कम सरकार को ये पता रहेगा कि कौन जाति कितनी पिछड़ी है, किसको कितनी आवश्यकता है। सरकार अपने पॉलिसी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से कम से कम वहां तक योजना पहुंचाने में कामयाब होगी। आज बहुत सारी जातियां हैं जिन तक तमाम योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। ये जाति जनगणना खुशहाली का रास्ता होगा। जाति जनगणना समाज में जो एक दूसरे के प्रति भारतीय जनता पार्टी समय समय पर भेदभाव पैदा करती है, खाई पैदा करती है, वो खाई खत्म होगी। सवाल किए थे, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। एक भी सवाल का जवाब दिया हो तो बता दीजिए आप। ये सरकार वो जो बजट नहीं खर्च कर पा रही है, ये सरकार वो जो हमारे किसानों को धोखा दे रही है, ये सरकार वो जो आज भी सदन में कह रही है और देखिए कितने कॉन्फिडेंस से सरकार कह रही है कि सबको रोजगार दे दिया। बेरोजगारी दर क्या 4.2%, इसका मतलब ये हुआ कि हर गांव में रोजगार नौकरी की भरमार है, कोई बेरोजगार गांव में नहीं बैठा। ये भारतीय जनता पार्टी का सपना है, क्या ये सच्चाई है? ये सरकार सवालों का जवाब नहीं दे रही है
और सरकार पीछे हट जाती है जब कभी उससे सवाल पूछा जाए।